ये छोटी चट्टान है, तो इसी में देखिए आप। हेलो बात करो, अपना नाम बता दो, गाड़ी नंबर बता दो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो डे 3 खजुराहो में, और आज हम जा रहे हैं, मंदिर सारे हो गए हमारे, तो राणे वाटरफॉल जा रहे हैं। बस अभी 6:30 हुए हैं और हम निकल रहे हैं। बाइक रेंट की हमने हमारे हॉस्टल से ही 500 रुपीज़ समथिंग लगाए, तो बस अभी पेट्रोल भरवाते हैं और निकलते हैं मंजिल की ओर। तो पेट्रोल भरवा लिया और विजय को देखो विजय क्या लेते हैं। बहुत ठंडा है एक्चुअली, अभी सुबह सुबह हो जाएगा, आधे घंटे नॉर्मल हो जाएगा, निकलते हैं। राणे फॉल्स खजुराहो से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हम एकदम अर्ली मॉर्निंग में निकल पड़े हैं ताकि दिन की तेज धूप में हम वापस हॉस्टल आ जाएं और आराम करें। तो आज हम राणे फॉल्स के साथ देखेंगे कैन घड़ियाल सेंचुरी। तो जी सुबह का टाइम है, लोग अपने दिनचर्या के काम स्टार्ट कर रहे हैं, धीमी धूप चेहरे पे आने लगी है। वैसे राणे फॉल्स जाने का रास्ता विलेजेस के थ्रू जाता है, बट यहाँ की रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो रास्ते में हमें कुछ लंगूर भी मिले। वैसे यहाँ से पन्ना नेशनल पार्क काफ़ी पास है, अगर आप खजुराहो आएँ और हाथ में कुछ एक्स्ट्रा दिन हो तो पन्ना नेशनल पार्क जाके आप सफारी भी कर सकते हैं। वैसे हमें ये टर्न नहीं लेना चाहिए था, बट अब रॉन्ग टर्न ले ही लिया है तो इसकी स्टोरी भी बता देते हैं। एक्चुअली अच्छा खासा सीधा रोड चल रहा था, अचानक गूगल बाबा बोलते हैं टर्न ले लो, तो हमने ले लिया। और ये रास्ते की हालत काफ़ी ख़राब है, मतलब जबरदस्ती का ऑफ रोडिंग हो रहा है। और बीच में ये खाली सा ब्रिज आया, तो कुछ देर इस कच्चे रास्ते पे गाड़ी चलाकर हम वापस मेन रोड आ गए। नो डाउट डिस्टेंस वाइज ये शॉर्टकट था, बट भाई वर्थ नहीं था। तो 4 किलोमीटर ज़्यादा दिखा। पर कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, वीडियो आगे देखिए। कैसे जाऊँ अंदर? नमस्कार, एंट्री करना है? हाँ, टिकट किस चीज़ का? वहाँ से काउंटर से टिकट नहीं लाया? काउंटर किधर? दो जने हैं, लेकिन अब भूल गए रहे, रुपया तो ले ले रहे सर, 200 रुपया लग गए। ठीक है, दे देता हूँ आपको जी। आप नंबर फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देंगे, जितना पैसे चढ़ा। हाँ लो बात करो, अपना नाम बता दो, गाड़ी नंबर बता दो। हाँ हेलो जी, नमस्कार, हाँ परेश कोठारी। तो जी विजय ने जो शॉर्टकट ढूंढा था, गूगल ने जो बताया था, उसमें हम जो मेन गेट है यहाँ का वही स्किप कर गए। तो अभी भैया ने अरेंज किया है टिकट, नहीं तो आपको टिकट वहाँ से लेके आना होता है। तो गाइस जाने वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, वाटरफॉल अभी चल नहीं रहा है, बट देखने में काफ़ी अलग है ये, इसको भी कैनियन है यहाँ का। यहाँ के जो रॉक्स है ना, वो 5 टाइप्स के हैं। अच्छा अच्छा, वोल्केनिक इरप्शन।
हमने देख लिया है जो राने वाटरफॉल है। वाटरफॉल तो है नहीं, इसको राने कुछ और बोलना चाहिए क्या? वाटरफॉल बोल बोल के ऑड लग रहा है, वाटरफॉल तो है नहीं। तो अभी एक अंकल मिले, उन्होंने बोला हमको कैन घड़ियाल सेंचुरी नाम है ना वहाँ जाना है, और उन बोला आस पास एनिमल्स दिखेंगे वो देख लेना। अच्छे थे अंकल काफ़ी, तो चलते हैं। इस ट्री की सारी ब्रांचेस ऊपर के साइड जा रही है, एक भी नीचे नहीं आ रही। आप देख रहे हैं नेचर विथ विजया। कैन घड़ियाल जो सेंचुरी है उसका एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे। हमारा है ये आसपास पूरा ही सेंचुरी है, यहाँ पे चल सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल दिख रहे हैं, जैसे कि एक मोर दिखा था और अलग अलग प्रकार के कुछ दिखे थे, नील गाय। ओके, तो और काफ़ी चिड़ियाँ दिख रही है अलग अलग प्रकार की। ओहो, देखने का ये यहाँ से कोई घड़ियाल भी ऐसा दिख तो नहीं रहा है, वैसे दिखता है सुना है हमने, देखते हैं थोड़ी देर, नहीं तो चलेंगे फिर। तो यार हमें तो कोई घड़ियाल नहीं दिख पा रहा था, उतने में ही यहाँ के गार्ड साहब ने हमें हताश देखा और हमारी मदद के लिए आए। ये सामने वो बड़ी चट्टान है पानी के अंदर, उसके पीछे छोटी है, उसी के लेफ्ट में थोड़ा सा पानी के अंदर है। जरा देख तो तुम, जरा तेरे आँखें तेज है। ओके, किधर देखना है? ये छोटी चट्टान है ना पीछे, हाँ वो हाँ, उधर हाँ, वो बड़ा है एक हाँ, उससे पीछे छोटी चट्टान है, उसके लेफ्ट में एक फुट मतलब लेफ्ट में हुई ये पानी के अंदर है। ये पानी के अंदर ये छोटी चट्टान है हाँ, ये वाली छोटी हाँ, सबसे अंदर पीछे छोटी चट्टान है हाँ, उसी में लेफ्ट में वो काला काला जो दिख रहा है ना हाँ, उसी को आप देखिए, ये छोटी चट्टान है, तो इसी में देखिए आप। दिक्कत क्या, ये नेट है ना आगे, वो ये जाली, हाँ जाली आ रही है, जाली आ रही है। ए, चट्टान में देखिए दोनों, एक इस साइड है एक इस साइड है, उसी चट्टान में दोनों लेते हैं। ये छोटी वाली है अंदर, इसी में देखिए आप, चट्टान के ऊपर उसका कुछ मुंह तो नहीं है ना हाँ, दोनों पूछ है क्या, क्या है वो? सी चारों लेटे, ये तो ऊपर ही लेटा हुआ चट्टान हाँ, के ऊपर लेटे। अच्छा, दूर से बहुत छोटा दिख रहा है, होगा बड़ा ना वो पास से। तो कुछ देर बाइनाकुलर से क्रोकोडाइल देखते हुए अपन को एक आइडिया आया, क्यों ना ड्रोन उड़ाकर क्लियरली देखा जाए इन क्रोकोडाइल्स को। तो जी अपना मैविक मिनी जा रहा है मिशन क्रोकोडाइल साइटिंग पे। घड़ियाल देखने का एडवांस तरीका। वो क्या पानी में जा, ये वाला रॉक, ये वाला हाँ, ये वाला हाँ, यही है। दिख रहा मुझे पानी में गिर जाएगा, पास में पहुंच गया, ये उसी के ऊपर, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं घड़ियाल को, देखिए आप हाँ। दोनों लेते हैं ना, एक दिखा मुझे अभी यहाँ पे, अभी एक आ गया, ये थोड़ा सा और, थोड़ा सा उस साइड आ गया, उसी उसी रोक में, उसी में है हाँ। थोड़ा सा और आवाज आ रही है हाँ, दिख रहे हैं ना दोनों, दिख रहे हैं हाँ, ये दोनों पास में लेटे हुए हैं हाँ, ये दिखाओ ना इनको, दिखाओ ये देखिए हाँ, ये यही लेटे हैं, ये देखिए एक ये लेटा है, एक ये लेटा है, सही है। चलिए बताएंगे, अभी नहीं दिख रहे और दिखते हैं तो बताएंगे कि है नहीं। हमको जहाँ हम रुके ना खजुराहो में उन्होंने उड़ा था, एक दो तो आपको दिख ही जाएगा हाँ, ऐसा वो बोल के भेजे थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर, नमस्कार नमस्कार। तो कैन घड़ियाल सेंचुरी का जो एक व्यू पॉइंट था, वहाँ से घड़ियाल दिखते हैं हमको, दो दिखे मतलब ऐसे तो हमको दिखने थे, वो बहुत ट्राई कर रहे थे बाइनाकुलर से हमको दिख जाए, बट क्या है हम वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे भाई।
तो अल्टीमेटली अपन ने उड़ाया अपना मैविक मिनी। इतना अच्छा व्यू कौन दिखा सकता है घड़ियाल का। सही था वैसे, वो घड़ियाल नहीं दिखा था हमको, जो दिखा था वो मगर था। घड़ियाल भी है यहाँ पे, बट अभी मगर दिख रहे थे, 4-5 थे। फिर रास्ते में जाते हुए एक ऐसी जगह दिखी विषया को, तो हमने देख लिया है खाली खाली है, मतलब हमारे अलावा बस एक कार यहाँ है, मतलब 5-6 लोग हैं बस। हम आज पहले लोग थे जो इस जगह में एंट्री करे थे, एंट्री रजिस्टर में हमारा पहला नाम था। ये वाला पॉइंट विजिट हो गया, सही था, सारे पॉइंट अच्छे होंगे यहाँ पे, तो जो जो बैठने की जहाँ भी जगह है। तो गाइस बस निकल रहे हैं, ठीक रहा, काफी ऑब्विट टाइप का था ये, अच्छा था, मतलब खजुराहो से थोड़ा अलग, मंदिर से थोड़ा अलग था, तो अच्छा लगा यहाँ के। अब बस हम जाएंगे हमारे हॉस्टल, खाना का होगा तो रास्ते में कुछ नाश्ता या कुछ ऐसा मिल जाए, और फिर तो हम घर पे ही रहेंगे दिन को 4 बजे तक आराम, और फिर निकलेंगे कहीं, वो भी एक डिसाइडेड है, बट देखते हैं क्या होता है। कहाँ पे है बताओ, जहाँ लेके आया उसका नाम बताओ। मद्रास कैफे। क्या ऑर्डर किया? इडली सांभर। और मैंने किया है डोसा। एमपी में साउथ इंडियन डिश खाते हैं, देखो आ गया तो आ गया, हम भी खाएंगे। खाया कैसा? करते हैं